अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। थाना कोतवाली नगर एवं शॉर्ट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। 11 जनवरी 2019 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर में हमराही पुलिस बल के थाना कोतवाली नगर में क्षेत्र भ्रमण तलाश वारंटी अभियुक्त सुपरमार्केट पर मौजूद थे, जहां निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह व पुलिस बल के जरिए मुखबिर की खास सूचना मिली। मुकदमा अपराध संख्या 381/2018 में वांछित अभियुक्त विशाल मौर्य पुत्र वासुदेव मौर्य निवासी ग्राम राही थाना मिल एरिया रायबरेली, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली द्वारा 25,000 का इनाम घोषित है। वह भूएमऊ की तरफ से गोरा बाजार की तरफ आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस बल द्वारा आपस में एक दूसरे की जमा तलाशी लेकर कोई अवैध वस्तु किसी के पास न बरामद होने पर जनता से गवाह लेने का प्रयास किया गया, परंतु कोई भी गवाह तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात निजी कार में बाउम्मीद गिरफ्तारी अभियुक्त प्रस्थान गोरा बाजार को रवाना हुए कि जब प्रभारी निरीक्षक व हमराही पुलिस बल पहलवान पीर बाबा मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के सामने सड़क पर मुखबिर खास की द्वारा बताए हुए हुलिये के अनुसार विशाल मौर्य उपरोक्त बड़ा दिखाई दिया, जिसके पास वाहन को रोककर बाहर निकलकर पुलिस बल ने सड़क पर ही उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की जमा तलाशी पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए तत्पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त पर मुआवजा संख्या 15/2016 धारा 323/504/506, मुआवजा संख्या 217/2018 धारा 386/504/506, मुआवजा संख्या 160/2017 धारा 352/442/392/336/427, मुआवजा संख्या 389/2017 धारा 392/411, मुआवजा संख्या 381/2018 धारा 386/323/504/506/507/147/452 और अन्य धाराएं भी लगी हैं। इनका लगभग एक दर्जन मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। 25,000 रुपए के इनामी अपराधी हैं। सितंबर 2018 से ये वांछित चल रहे थे एक रंगदारी मांगने के मामले में। इनका कहना है कि इनके गांव के एक पंचायत मित्र जो प्रधान के साथ मिलकर काम करते हैं, पंचायत मित्र गांव में जो जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके मकान कॉलोनी आवंटित हुई थी, उन सबसे वो कमीशन के तौर पे 30,000 रुपया वसूलते थे पर मकान, वो 30,000 रुपया लेते थे। तो इन्होंने देखा कि वो पंचायत में काफी मुनाफे में है इस समय, तो इन्होंने भी उसमें अपना कमीशन कम से कम 5,000 रुपया महीना हमको, 5,000 हर कॉलोनी के हिसाब से हमको भी मिल जाए। पंचायत मित्र से इन्होंने कहा और फिर उनसे जब मांगा वो नाराज हुए, तो उस पर इनकी एक और इनके दोस्त थे उनके साथ मिलके कहा सुधी हुई। उस
रंगदारी या तंगी के चक्कर में उन्होंने थाने पे सितंबर के महीने में FIR करा दी, जो रंगदारी के साथ साथ SC ST आए आई डी ले वाइट कर ले। पहले इनके ऊपर और सुन लीजिए भाई, इधर एक मित्रा मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो भी रंगदारी का दर्ज करा चुके हैं। ये फुर्सतगंज और मिल एरिया अमेठी जनपद और रायबरेली जनपद में लूटपाट के 5-6 मामलों में पहले जेल जा चुके हैं। एक बार लगभग 1.5 लाख नकद लूटे थे। इनके साथी हैं और साथी लोग हैं, वो लोग अपना जमानत कराए हैं। ये अभी सितंबर से फरार चल रहे थे और मुंबई में रह रहे थे। इनका एक बड़ा भाई, बड़ा है छोटा है, छोटा भाई बिग बॉस के, बिग बॉस सीरियल आपने देखा होगा रात में, तो उसमें वो बंगलौर में आजकल रह रहा है, वहाँ कुछ काम कर रहा है। सर भाई नाम क्या है? सर भाई का नाम बता दो। विकास, विकास भाई ठीक है, ये भी ठीक है, ये मुंबई गए थे सुधर के रहने को, लेकिन इनको डेंगू हो गया। वो वहाँ ठीक ठाक होने के बाद फिर अब पैसे की दिक्कत हुई होगी तो यहाँ चले आए। पहले ये प्रतापगढ़ में 20 दिन रहे, कौन सी जगह से, बेला माई अजीत नगर, अजीत नगर प्रतापगढ़ में रहे और फिर वहाँ से ये आ गए यहाँ मुलिया महू अपने एक दोस्त के यहाँ। पिछले 20 दिन से वहाँ रहे थे। कोतवाली नगर की पुलिस और क्राइम ब्रांच स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से इनको पकड़ा है और इन्होंने ईमानदारी से अपना तमंचा कारतूस भी पुलिस को दिलवाया है। इनका मोटा मोटा ये है, बाकी और सर कोई भूमिका नहीं मुलिया महू वाले नहीं। मुलिया और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही, और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।